नमः शिवाय। फाल्गुन पूर्णिमा बृहस्पतिवार चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र में रहेंगे। आज के जन्मे जातक धनी, ऐश्वर्यशाली, साहसी, निर्भीक, माता पिता के भक्त, अपने कार्य में तत्पर और उच्च अभिलाषी होते हैं। उच्च स्तर की आजीविका प्राप्त करने वाले बड़े उपक्रमों में निरत और धार्मिक होते हैं। ये बड़े भावुक भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और सूर्य केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज के जन्मे जातकों को भी 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज आनंदपूर्ण माहौल बना रहेगा। कार्य ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। नकारात्मक विचारों का जो मानसिक दबाव बना हुआ था वह खत्म होगा। आर्थिक मामलों में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रति रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। शासन सत्ता या अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। निजी संबंधों और व्यावसायिक साझेदारी में तालमेल बना रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक मामलों में संतुष्टि बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपके काम करने के तरीके दूसरों के लिए नजीर बनेंगे। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख सौहार्द का माहौल बना रहेगा। मित्रों और रिश्तेदारों के बीच समय व्यतीत होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता मिलेगी। आज आपका ऊर्जा स्तर पहले से बढ़ा हुआ रहेगा। साझेदारी के कामों में कटु अनुभव प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुकूलता भाग्यवश मिलती जाएगी। आर्थिक मामलों में पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। संतान संबंधी अनुकूलता और शिक्षा प्रतियोगिता में आज का दिन सहायक होगा। न्यायालय वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए साझेदारी का न्योता मिल सकता है जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव में राहत मिलेगी, मगर काम का बोझ अभी बरकरार रहेगा। हालांकि अतिरिक्त कार्य ऊर्जा भी आपके अंदर बनी हुई है, जिससे आप सारे कार्य बिना रुकावट के पूरे करते जाएंगे। निजी संबंधों और संतान के प्रति संतुष्टि महसूस करेंगे। कारोबार के मामले में कामयाबी मिलती जाएगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन और शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। मेहनत के अतिरिक्त आर्थिक लाभ संभावित है। सिंह राशि वाले जातक मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रति और साझेदारी के कामों के प्रति आपकी सार्थक पहल लाभदायक सिद्ध होगी। अध्ययन अध्यापन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में रुकावट संभावित है। विरोधी पक्ष दबा रहेगा। नए निवेश के लिए समय अनुकूल है। छोटी यात्रा संभावित है। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। मांगलिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले जातकों को स्वयं और संतान के स्वास्थ्य के प्रति व्यय का अंदेशा बनता है। व्यावसायिक मामलों में उत्साह में कमी और अड़चनें संभावित हैं। आपकी कार्य योजना में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं से संबंधित यात्रा को भविष्य के लिए टाल दें। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। परियोजनाएं बाधित हो सकती हैं। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी, मगर आर्थिक सहयोग बना रहेगा। तुला राशि वाले जातकों को आर्थिक और व्यावसायिक अनुकूलता मिलती रहेगी। आपका ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। व्यावसायिक अड़चनों का दौर खत्म होगा। रुकी हुई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है।
कार्य पूरे हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलता रहेगा, संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी और विरोधी आपके पक्ष में रहेंगे। मित्र सहयोगियों से आर्थिक लाभ संभव है, नवीन रिश्ते कायम हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, नकारात्मक विचारों में कमी आएगी, आपका ऊर्जा स्तर स्वाभाविक तौर से बढ़ा रहेगा। नवीन कार्य योजनाओं में साझेदारी का प्रस्ताव संभावित है जो कि आर्थिक लाभ के लिए सहायक सिद्ध होगा। संतान संबंधी अनुकूलता में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए दिन सामान्य रहेगा, घरेलू उपयोग की वस्तुओं में वृद्धि होगी, भविष्य की योजनाओं में निवेश संभव है। अपने मकान के ईशान कोण को साफ सुथरा रखें, खराब पड़ी वस्तुओं को वहां से हटा दें। धनु राशि वाले जातकों को शनि देव ने मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ा दिया है, आपके परिश्रम करने के अनुरूप आर्थिक लाभ की गति धीमी है, भविष्य में इसमें और सुधार मिलता जाएगा। अपने ऊर्जा स्तर को बरकरार रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें, सफलता निश्चित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती जाएगी, संतान संबंधी मामलों में व्यय संभावित है, आर्थिक भावना बलवती रहेगी, निजी संबंधों पर ध्यान देना होगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, देव दर्शन के योग बनते हैं। मकर राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, आंखों में जलन या नसों से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आर्थिक अनुकूलता का दौर जारी रहेगा, आपकी कार्य योजनाओं में मित्रगणों व अधिकारियों का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। शाम के बाद आपका ऊर्जा स्तर और बढ़ा हुआ महसूस होगा, नवीन कार्य योजनाओं से संबंधित यात्रा संभावित है जो कि लाभदायक सिद्ध होगी। नए निवेश में आर्थिक हिस्सेदारी उचित नहीं होगी, विरोधियों व साजिशों से बचना होगा, अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है, माँ दुर्गा की आराधना सहायक सिद्ध होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की स्थिति बरकरार है, मन मुताबिक व्यावसायिक अनुकूलता नहीं मिलने पा रही है। आपके आत्मविश्वास में असमंजस की स्थिति बनने से कई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव में सबसे अच्छा और सबसे पहले कौन सा क्रियान्वित करें, इसमें असहज स्थिति पैदा हो जा रही है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, अपने विश्लेषणात्मक पहलू को और मजबूत करें, अनुकूलता बढ़ेगी। वैवाहिक कार्यक्रमों में सफलता संभावित है, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। मीन राशि वाले जातकों को किसी भी क्षेत्र में जोखिम नहीं उठाना चाहिए, आपकी कार्य योजनाओं में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है, त्वरित लाभ के लिए अधिक जोखिम नुकसानदायक साबित हो सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, नकारात्मक विचारों को दूर रखें, सरकारी व्यक्तियों से सावधान रहें, अपव्यय की स्थिति पैदा हो सकती है, संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी, अध्ययन अध्यापन या शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करना होगा, केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।